हाँ अच्छा एक नागिन है, लेकिन दादी इसके नागिन होने की वजह से इसकी सारी अच्छाइयां खत्म नहीं हो जाती। इच्छा को ये घर छोड़कर जाना होगा, ये हमारा अंतिम फैसला है। आपका बब्बल और मेरी इच्छा, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जिंदगियां ही नहीं बल्कि उनकी सांसें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई। बब्बल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, वो तो मेरी सपोली इच्छा उसे खींचकर वापस लाई थी अपनी आधी जान देकर। जिस लड़की ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी दी, क्या आप उसका एक झूठ माफ नहीं कर सकते? मैं चलती हूँ दादी। नागिस्तान का परिवार है, आपकी तरह ये सब भी मेरे अपने हैं। मेरी माँ, दादी, ये गुरुजी हैं और ये हमारे नागिस्तान के मुखिया। वाह, झूठों की पूरी टोली एक साथ हमारे घर में। आपकी दुनिया अलग, हमारी दुनिया अलग। मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप लोगों ने एक इच्छाधारी नागिन के साथ हमारे छोरे का रिश्ता क्यों जोड़ा? हम साधारण लोग, प्यार और विश्वास यही हमारी पूंजी, इसी के बलबूते पर हम जीते। आपकी छोरी ने हमारा विश्वास तोड़ा है। दुनिया वाले सही कहते कि नाग को चाहे कितना ही दूध पिला वो मुड़कर डसेगा जरूर। ईश्वर ने हमें परम शक्तिशाली बनाया है। अगर हमारा इरादा आप सबको नुकसान पहुंचाना होता तो एक भूख और सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, ना ही ऐसी हमारी फितरत है और ना ही हमारा स्वभाव। जब से इस विश्व में इंसान है तब से हम भी हैं, आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं। आज तक हमने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आपको, और शायद आप देख नहीं पा रही हैं कि हमने आपके घर के ऊपर विश्वासघात का साया नहीं बल्कि सुरक्षा का कवच बना रखा है। और यही वजह है कि एक आपको छोड़कर आपके परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता कि इच्छा ये घर छोड़कर जाए। ये सब सच है? सवाल बोल के बात है। मैं क्या बोलूं दादी, मैं तो हूं ही पैदाइशी बेवकूफ, मेरी तो इस घर में कुछ चलती नहीं है। भाभी ने बोला कि इच्छा अच्छी लड़की है तो मैंने मान लिया कि अच्छी लड़की है। ये अप्पू ने बोला कि इसको घर में रहने दो तो मैंने कह दिया रहने दो। वैसे भाभी भी तो इच्छा को अपनी छोटी बहन ही मानती है। हाँ मतलब दादी जी, इच्छा मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इच्छा को यहाँ रहने दो। वो तो बस कुछ नई बातें पता चली है कि ये अप्पू नहीं चाहता कि इच्छा यहाँ से जाए,
जिसकी बेस्ट फ्रेंड है ना वो यहाँ से चली गई तो बेचारा नाराज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसकी खुशी के लिए और अपू ने ही कहा कि माँ जी मान गई, अब सासू माँ मान जाए बहू ना माने गुस्ताखी होगी ना, इसलिए मैंने कहा इच्छा को रहने दो। अपू झूठ बोल रहे, अपू मैंने कब कहा कि मैं मान गई हूँ? इसका मतलब कि दादाजी झूठे हैं। दादाजी आपने तो कहा था कि दादी मान चुकी है। मैंने ऐसा कब कहा? देख माँ, बीते भर का छोरा और बात को कैसे गोल गोल लट्टू की तरह घुमा रहा है। मैंने ऐसा इससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा इसने मुझसे कहा कि ममता मान गई है। चुप करो सब। बबल तू बता तेरा क्या फैसला है? अब फैसला क्या करना है दादी? मैंने इच्छा को इस जन्म के लिए नहीं अगले 7 जन्मों के लिए अपना लिया। उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुरा ये इच्छाधारी नागिन है। दादी रिश्तों में प्यार जज्बात और ईमानदारी देखी जाती है, जो मैंने इच्छा में दी। मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती दादी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इच्छा से बेहतर जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता। इच्छा के बगैर बब्बल अधूरा है, इच्छा के बगैर बब्बल का कोई वजूद नहीं। दादी आज आप हां कहें या ना कहें, लेकिन मुझे सिर्फ इच्छा के साथ जीना, उसका पति बनकर रहना है मुझे, और ये मेरे लिए सम्मान की बात है। दादी इच्छा सिर्फ इस परिवार के लिए ही बनी है, उठते बैठते सोते जागते वो सिर्फ आप सबके बारे में ही सोचती है। आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब वो एक घर छोड़कर जा रही थी तो आपको पता है उसने मुझसे क्या मांगा? के यही दादी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम दोनों को एक दूसरे से अलग ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं अपने परिवार से कभी अलग नहीं हूं। आज आप सबके खातिर वो अपने पति का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। दादी आज के बाद मैं और अच्छा एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। हम एक दूसरे से दूर होने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। नाग और इंसानी दुनिया के बीच अनोखी प्रेम का यूं ही चलती रहेगी आखिर। माँ मैं क्या कहूँ, नहीं मैं नहीं, हम सब इच्छा को माफ कर देते हैं। देख माँ इच्छा इतने महीनों से हमारे साथ रह रही है, उसने आज तक इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो नागिन है। उसने जहर नहीं अमृत बांटा है हमारे घर में, है भाई? सही कहा अम्मा जी, इच्छा ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा इसके तो बड़े एहसान हैं हम पर। कम से कम उन्हीं एहसानों की खातिर माफ कर दीजिए ना उसे। हाँ दादी रोक लो ना इच्छा को। चुप कर साबल, वरना बहुत पीटूंगी तुझे। और ये क्या, तुम सब लोग मुझे इच्छा की अच्छाई का पाठ पढ़ा रहे? ये मैं जानती नहीं कि इच्छा कितनी अच्छी है, उसके एहसान कितने हैं हम पर, कि मैं ये सब भूल गई हूँ? नहीं भूली हूँ, इच्छा से मैं भी प्यार करती हूँ, लेकिन वो एक इच्छाधारी नागिन है और एक इच्छाधारी नागिन
बहू बनकर इंसानों के साथ नहीं रह सकती। ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। आप सही कह रही हैं दादी, लेकिन मुझे लगता है कि सब शिवजी की लीला है, उन्हीं की रचना है। मेरा मतलब आप देखिए ना, है ना बब्बल जी से मिलना, क्या आना, इस घर का हिस्सा बनना, ये सब फिजूल की बातें। सच तो ये है कि कुदरत के बनाए हुए दो अलग अलग जीव एक साथ नहीं रह सकते। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। समझ आप नहीं रहे। आप किस अधिकार से इच्छा को यहाँ पर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? अभी अभी इच्छा ने कहा ना कि शिव जी हमें जोड़ना चाहते हैं। अगर वाकई में शिव जी ये रिश्ता जोड़ना चाहते तो वो आप लोगों को भी हमारे जैसा इंसान बनाते, पूरा इंसान, आधा अधूरा नहीं। कभी नाग की जिंदगी, कभी इंसानों की। शिव जी का नाम लेकर हम एक गलत रिश्ते को अंजाम नहीं दे सकते। हमारी और आपकी दुनिया अलग है और अलग ही रहेगी। आप ये और एक बार, आज इच्छा को मैं चाहे स्वीकार भी कर लेती, लेकिन आज आप सबको यहाँ एक साथ देखकर आपके रूप में हमारे घर का विनाश नजर आ रहा है। इच्छा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कि ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जाइए आप सब वापस नागिस्तान। कौशल्या जी, ये आप क्या कह रही हैं? जाइए, वरना मुझे भी वही करना पड़ेगा जो हमेशा से इंसान नागों के साथ करते आए। सबल, लाठी ला। माँ, दादी। ना ना ना, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। यदि आप लाठी उठाना जानती हैं, तो हम भी वन उठाना जानते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है, नागों का वन तभी उठा है जब नागों पर लाठी उठी। नहीं गुरुजी, मुखिया जी, आज हम में से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। आपको आपकी सपोली की कसम है। इच्छा यहाँ प्यार बांटने आई थी, यहाँ नफरत के बीज बोकर कैसे जा सकते हैं हम? दादी, इस घर में आपका शब्द अंतिम रहा है और हमेशा रहेगा। आप जो कहे वही होगा। हो सकता है उस वक्त आप लोगों से मिलना शिवजी की रचना थी, और शायद अब आप लोगों से बिछड़ना उन्हीं की इच्छा हो। हाँ दाजी, चलना चाहिए। दादी, एक बार आवाज दे दीजिए, रोकने के लिए नहीं, बस एक बार पास बुलाकर अपने गले लगा लीजिए। अपनी इस इच्छा की एक आखिरी इच्छा समझकर ही सही, बस एक बार पुकार लीजिए,
नहीं, मेरी इच्छा नहीं जा सकती। मुझे छोड़कर इस तरह कोई तो आवाज दो, कोई तो रोक लो उसे। इच्छा, ईश्वर का वो रूप जिसके गले में नागराज विराजमान है। नाग प्रतीक है शांति का, युगों युगों से उनका इस धरती पर वास्तव्य रहा है। इंसानों के मित्र बनकर उन्होंने मित्रता निभाई है, लेकिन दुर्भाग्यवश इंसान इस मित्रता को कभी समझ नहीं पाया। अपने अहम और नफरत में अंधा होकर उसने नागों को अपना दुश्मन मान लिया। एक लाठी उसकी उठी और फिर हजारों फन नागों के उठे। आज भी यही सिलसिला कायम है। इच्छा की लाख अच्छाइयों के बाद भी उसकी झोली में अगर कुछ पड़ा है तो वो है नफरत, दुख और शासन। सिर्फ इच्छा ही नहीं, बल्कि मेरे सारे इच्छाधारी नागों ने आज मुझे बेहद संतोष दिया है। फन झुकाकर उन्होंने इंसानों से प्यार का रिश्ता जोड़ा है, लेकिन इंसानों ने एक बात समझ लो, यज्ञ और पूजाओं से मुझे प्रसन्न करना नामुमकिन है। प्यार की राह पर चलोगे, मुझे अपने आप पालोगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारे एक सही फैसले का। शिव जी, मने माफ करो, मारे से घड़ी गलती हो गई। आप इच्छा के रूप में मारे घर के चौखट पर खड़े थे और मैं बावली उसे ठुकरा रही थी। इच्छा, इस मुंह से तुझसे माफी मांगो। नहीं दादी, बोलने दे मत, बोल दे। आज अगर मैं नहीं बोली ना तो जिंदगी भर सुकून से नहीं रह पाऊं। क्या करूं छोरी, इंसान ना अपने आप को सबसे ऊपर समझते। घमंड कूट कूट कर भरा था मारे, आज सारा घमंड टूट गया। आज मुझे पता चला प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। छोरे, हाथ जोड़कर साफ दिल से तुझे अपने इस घर की बहू स्वीकार कर। लेकिन हमारे घर की शोभा। नहीं दादी, आप ये क्या कर रही है? अरे आंखें खुल गई। इंसान हो या इच्छाधारी नाग, उसके रूप से नहीं उनकी नियत, उनकी सोच, उनका दिल देखना चाहिए। और तू वो खरा सोना। मैं तुझे अपने दिल की अलमारी में पूरे परिवार के साथ संभाल कर रखूंगी।
और इस तरह आज मेरा अभियान पूरा हुआ। एक नागिन ने इंसानों के घर के साथ साथ उनके दिल में भी अपनी जगह बना ली। इच्छाधारी से इच्छा प्यारी तक का ये सफर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और आपको For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.